वेलकम बैक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक फोर्स वर्क एंड एनर्जी एंड इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर्स फोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था एंड ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं लाइक मस्कुलर फ्रिक्शनल फोर्स मैकेनिकल फोर्स इलास्टिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बायो एंट फोर्स अंडरस्टैंड सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज फोर्सेस इन डिटेल सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स पहला क्या है बेटा मस्कुलर फोर्स सो मस्कुलर फोर्स होता क्या है सिंपली वी कैन से दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ अवर बॉडी यानी हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उससे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जब हम बुक लिफ्ट करते हैं बुक्स उठाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं फुटबॉल को किक करते हैं देन वी यूज मस्क्यूलर फोर्स कौन सा फोर्स हम लोग यूज करते हैं मस्क्युलर फोर्स यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा टर्म है हमारा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स सो पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इट अपोजेज द मोशन ये क्या करता है मोशन को अपोज करता है ठीक है मीन्स कि ये वर्क कैसे करता है फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करता है ठीक है तो जो अपोजिट द मोशन है इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इट स्टॉप्स और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी किसी भी मूविंग बॉडी को या तो ये स्टॉप कर देता है रोक देता है और स्लो डाउन कर देता है उसकी स्पीड कम कर देता है द नेक्स्ट थिंग इज इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करता है ठीक है अनदर थिंग इट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक्ट करता है बेटा दोनों ऑब्जेक्ट यदि कांटेक्ट में हैं तो जो सर्फेसेस उनकी कॉन्टैक्ट में हैं उन सर्फेसेस के बीच ये एक्ट करता है और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि फ्रिक्शन जो है ये सर्फेसेस की रफनेस पे भी डिपेंड करता है ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा इट डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है रफ सर्फेसेस जेनरेट्स मोर फ्रिक्शन स्मूथ सर्फिससेज रफ सर्फेसिज में ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है इन कंपेरिजन टू स्मूथ सर्फेसेस ओके अनदर थिंग लट्सी य्सो जनरेट्स हीट ये क्या करता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट भी जनरेट होती है एंड सम एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं जैसा कि टायर्स हैविंग ग्रूव्स जो टायर्स होते हैं वेहीकल्स के आप लोगों ने देखा होगा उनमें ग्रूव्स होते हैं गोटियां होती हैं ठीक है तो ये इसलिए होती हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए ताकि एक ग्रिप बनी रहे अंडरस्टैंड अनदर थिंग लाइटिंग अ मैचस्टिक मैच बॉक्स आप लोगों के घर में होगी तो बॉक्स का जो साइड सरफेस होता है बेटा आप लोग देखेंगे तो उसपे कुछ डॉट dot डॉट्स बने होते हैं ठीक है रफ सरफेस होती है वो और उसपे जब हम स्टिक को स्लाइड करते हैं देन द स्टिक इज गोइंग टू लाइट अप अंडरस्टैंड सो दिस इज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स Now come to the next one that is mechanical force. मैकेनिकल फोर्स बेटा सिंपली देखो जो टॉम है उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा फोर्स जो मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है तो सिंपली हम कह सकते हैं द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाई अ मशीन अंडरस्टैंड ऐसा फोर्स जो मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं जो कार्स बसेस एंड सम अदर व्हीकल्स में इंजिन यूज होते हैं वो क्या करते हैं दे प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्स बसेज एंड अदर व्हीकल्स कैन मूव ईजिली अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन इज इलास्टिक फोर्स लेट्स इलास्टिक फोर्स क्या होता है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले आफ्टर बींग स्ट्रेच स्ट्रेच करने के बाद जब हम उसे रिलीज करें तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप जो है उसे रिगेन कर ले तो ऐसे फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं इलास्टिक फोर्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड इलास्टिक थ्रेड्स एक्सेट्रा नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स सी स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स क्या है द फोर्स एक्सर्टेड बाई मैग्नेट मैग्नेट्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया फोर्स ही क्या कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है हम सिंपली कह सकते हैं कि मैग्नेट्स जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं एंड इट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स और सब्सटेंसेस मेड ऑफ आयरन ये क्या करता है अदर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर आयरन से बने हुए सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है ओके द नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेटा देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है हम सभी ये जानते हैं या हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है यदि कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो ऑब्जेक्ट क्या करता है नीचे की तरफ आने लगता है नीचे की तरफ फॉल होने लगता है गिरने लगता है ठीक है दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है ओके सो लेट्स सी फोर्स बाय विच एनी टू ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं बेटा और जो ये फोर्स होता है दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बैक टू द ग्राउंड व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यदि अपवर्ड थ्रो करेंगे बेटा तो वो क्या करेगा वापस ग्राउंड की तरफ ही आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ क्यों होता है ऐसा तो जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से एंड सिंपल सा एग्जांपल आप लोग एक सिंपल से एक्टिविटी करके देख भी सकते हैं जैसा कि यदि आप सभी के पास बॉल्स अवेलेबल होंगी ही तो आप बॉल को यदि बेटा अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो बॉल क्या होगी एक सर्टेन पॉइंट तक जाने के बाद फिर से वो ग्राउंड की तरफ वापस आने लगेगी गिरने लगेगी इज इंट एट सो हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये दो चीजें भी होती हैं बेटा और वो क्या है इट कीप अस बाउंड टू द अर्थ यानी हम लोग स्टेबल रहते हैं अर्थ पे बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल्सो प्लैनेट्स होते हैं अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स दीज रिवॉल्व अराउंड द सन सन के चारों तरफ ये फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं बेटा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज बायोएंट फोर्स बायोएंट फोर्स क्या होता है बेटा लेट्स सी द अपवर्ड अपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर वाटर बेटा क्या करता है एक अपवर्ड अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करता है इट इज़ कॉल्ड एज बायुट फोर्स और बेटा इसको आप लोग एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं एक एक्टिविटी करके सिंपल सी एक्टिविटी है एक बकेट में आप पानी फिल कर दीजिए वाटर फिल कर दीजिए और उस बकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसको अंदर की तरफ पुश कीजिए आप यही फील करेंगे बेटा कि जो वाटर है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है अंडरस्टैंड दिस फोर्स इज नोन एज बायोट फोर्स यही क्या बोला जाता है बायोएंट फोर्स बोला जाता है अंडरस्टैंड सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट फोर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस अंडरस्टैंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वर्क कार्य क्या है तो बेटा सिंपल सी चीज है कार्य हम किसे कहते हैं या डिफाइन वर्क यदि किसी ने पूछ दिया हमसे तो हम उसको यही बताएंगे कि यदि हम किसी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो हम कहते हैं कि द वर्क इज सेट टू बी डन यानी यहां पे कार्य हुआ है ओके okay? फॉर एग्जाम्पल मूविंग अ कार्ट किकिंग अ फुटबॉल हिटिंग अ बॉल विथ बैट एक्सेट्रा कार्ड मूव कराना ठीक है कोई भी कार्ड यदि मूव हो रही है तो हम क्या करते हैं बेटा विथ द हेल्प ऑफ एनिमल्स और वी यूज टू पुश इट और पुल इट हम पुश या पुल करते हैं कार्ट को तभी वो मूव करती है फुटबॉल को यदि हम किक नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं करेगी और हम जिस डायरेक्शन में किक करेंगे वो उसी डायरेक्शन में फुटबॉल मूव करेगी हिटिंग अ बॉल विथ बैट बैट से हम बॉल को हिट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम हिट लगाते हैं बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करती है अंडरस्टैंड सो सिंपली वंस अगेन लेट्स सी अबाउट वर्क दैट इट इज सेट टू बी डन वनली इफ अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कार्य तभी कहा जाएगा कि कार्य हुआ है जब कोई भी बॉडी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी अंडरस्टैंड सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द टॉपिक फोर्स वर्क एंड एनर्जी सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल